ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਟੱਕਰੀ ਬੋਲੋ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सुदिल भाई का फोन आ गया। हाँ, आज हम जा रहे हैं राजपुरा, एक साइड पे उनका काम है। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, एक एक बजे तक पई रहनी है घोड़े बेच के। खड़ी हो जा, मैं क्या चल रहा है, मैं चंगा सुना रही यार। मैं भी डायलॉग मार के आऊँ बहुत बड़ा, जल्दी से मैंने लॉक कर दिया गया, मैं क्या पीछे ना आ जाए। वो खड़े हमारे सरदार जी, हमारे सीनियर सरदार जी। हाँ जी, हुक्म पूरा पहली सीट पर बैठ जाके। ओके, तुझे तो कह रहे थे उस गड्डी जा रहे हैं अपन, हैं तुझे तो कह रहे थे उस गड्डी जा रहे हैं। आ रहे लैंड ओथे लाइटा ते, आ फिर इनू ओथे खड़ी कर दंगे ना। ओके, तो पैसा बचाओ। ओके, मेरी बीवी भी यही बात बोलती है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है बात। रात फिर आप कहाँ प्रोग्राम करने गए मालिक? कह रहे थे ग्रुप तो देखा मैं मेरे, होली होली सरदार जी थलो थलो नहीं थलो ही निकल गए दबा दबा। कमाल आ गई सी यार भी। रोड पड़ती? हाँ, सारी पेवर लॉक लग रही है। रोड का बार की खराब है और ये यहाँ पे खड़े जा रहे हैं। सही यार, पहला बता भी मुझे पाया पहला ही कौड़ा यार, मुझे टेस्ट खराब हो गया। इधर रुको एक मिनट। पंडित जी क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, एक नंबर। पंडित जी को यहाँ पे हो गए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 13-14 साल हो गए हैं भाई। सो हमने ले लिया पंडित जी से ये कोल्ड कॉफी। ठीक है पंडित जी, बाय बाय। बाय बाय, ठीक है। बनूड वालू वसलीप रोड, बनूड वालू मेन रोड, कोल्ड कॉफी। ठीक है, आ गया। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड, मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दिया गलिया दी आंटी जी। सत श्री अकाल। ਤੇ ਕੌਣ ਖਵਾਵੇ ਗੁਰਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਓ ਸ਼ਿਟ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰੀ। यार स्वाद बहुत थी लेकिन कम थी, मजा नहीं आया। घटो घट 5 लीटर दी पैकिंग होनी चाहिए। 5 लीटर दी नहीं पैकिंग होनी चाहिए थी, क्रीम बेल कॉफी मिल्क शेक मतलब इससे डबल होनी चाहिए थी, दो बोतल। गाड़ी हमने कर दी है यहाँ पे पार्क। अब गाड़ी कितने घंटे, 3 घंटे रहूगी पार्क अप्रोक्सीमेट। गड्डी कितने अपनी? सत श्रीकाल भाजी, कहते हो जी कैंट। ये खड़े हमारे ड्राइवर साहब वाइंटो CH01AB1645। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया। चलो थैंक यू सो मच, आप हमको लेने आ गए भाई। थोड़ा सा लेट हो गया मना पई तो ना की है। ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਭਾਈ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਸਥਮਾ ਦੀ, ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਹੀ ਫੱਕ ਧੂਆ। ਫੱਕ ਕੀ ਬੋਲੀ? ਅਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ये भाई बिजली का प्लांट है और ये है सामने सीमेंट का प्लांट। इस सीमेंट वाले प्लांट में जाएंगे हम अंदर। ये भाई हम चुप पहुंच चुके हैं थर्मल प्लांट के एकदम पास में, ये देख लो आप। इससे ज़्यादा हम पास नहीं जा सकते क्योंकि हमारा काम वहाँ पे नहीं है, हमारा काम इसके अंदर है। ये भाई साहब आ गए हैं विजिटर्स। हाँ यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैकेट नवी जी है ना, फिर ले जा सकते हैं। जैकेट अच्छी लगी यार, मैंने दिख रहा हूँ उसमें मैं। हाँ भाई, भाई तुम्हारा बन चुका है यहाँ का वर्कर। हेलमेट हेलमेट पा लिए तुझ तो पा नहीं सकते। लो भाई
सर आपका नाम क्या है? जीवन गोयल सर। जीवन गोयल, तो आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैं 1.5 महीने से। 1.5 महीने से? अभी नए नए आए हो ना, पहले कहाँ थे? पहले तो मैं बठिंडा में था। ओके, हाँ बठिंडा में भी चिमनी है ना। तो भाई ये हमको अंदर लेके जाएंगे हम। ये हेलमेट तुम्हारे भाई का आ चुका है, ये हेलमेट पहनने वाला हूँ भी मैं। ये वाली? बस एक फावड़े की जरूरत है, एक फावड़ा दे दो आदमी और पूरा मैं वो वर्कर लग रहा हूँ। ये देखो पूरा मैच हो रहा है इनके साथ। वेलकम सर। तो ये अब हमारे साथ आ चुके हैं इंजीनियर साहब, अब आगे का दौरा हमको ये करवाएंगे। सो दादा इधर कितना वर्कर काम कर रहा होगा एट प्रेजेंट अभी? 800 से ज्यादा। ओके, और कितने इंजीनियर हैं? जैसे आप इंजीनियर हो, इंजीनियर आप लगा लो 150 के आसपास। अच्छा 150 इंजीनियर है, 800 वर्कर है, मतलब मजदूर है। कितना टाइम हो गया इसको चलते हुए? ये आपका चल रहा है दिसंबर से। सो रेलवे ट्रैक भी इस प्लांट के अंदर है, यहाँ पे ट्रेन भी आती है जो माल गाड़ी वगैरह होती है ना। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही गर्मी में क्या हाल होता होगा यहाँ पे इन लोगों का। हेलो सर, कैसे हैं? क्या बोलूं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। कोई नॉलेज तो उस चीज़ की फिर बंदा बोलता है, बोलूं क्या समझ ही नहीं आ रहा। कट करना भाई, अभी वीडियो काटनी पड़ेगी। अंदर जाना है, अंदर जाना है, अंदर ऑफिसर है तो वीडियो नहीं चला सकते। वापस जाते वक्त आपको दिखाएंगे। कौन कौन सी है? ये नाम है क्या 10-15-20? कुल्फी है क्या? दूध वाली वो दो। हाँ ये राइट। यार ये तो काम थोड़ा चालू से ही लगा मुझे, अब ले लिया तो खाने तो पड़ेगी। पैसे देने हैं? पैसे तो यार बताना था, पैसे भी लेते हो आप, मुझे तो लगा वैसे दे रहे हो। हाँ पैसे लेने, अच्छा ही खा रहे हैं फिर तो चला जाएगा। अरे मुझे लगा ऐसे ही खड़े हो कि कुल्फी किसी को वो सेवा कर रहे हो गर्मी में। स्वाद आ रहा है, सन आ चुका है एकदम टॉप पे और भाई तुम्हारा खा रहा है कुल्फी और अपना बड़ा भाई अंदर डील सेट कर रहा है। पहले आती होती थी 2-2 रुपए की, 1-1 रुपए की है ना, 10-12 साल पहले लाल रंग की, पूरा मुंह लाल कर देती थी, मैं बहुत खाता था। 2 रुपए की तो वो होती थी दूध मलाई वाली, 1 रुपए की होती थी लाल, ऐसे बर्फ में रंग घोल के बस उसको जमा के दे देते थे। अब स्टार्टिंग 10 से है। लो भैया थैंक यू, शुक्रिया, लव यू है भैया को, इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। नाम? नाम राजू। जोर से राजू। सो ये थे भाई साहब राजू। राजू जी के साथ बात करके बहुत मजा आया हमको, आनंद आ गया उनकी कुल्फी खा के। लो भाई पानी आ गया, पानी पी लें यार। ओह माय गॉड भाई साहब, 15 मिनट का सोच के आए थे, टाइम लग गया अंदर करीबन 1.5 घंटा लग गया यार। इट वाज अ वेरी हेक्टिक टाइम। हेक्टिक टाइम और है ना, गर्मी बहुत थी, अंदर एसी भी नहीं था, पंखे में ही बैठे थे हम। क्या डिसाइड हुआ? सेक्शन मिला ही नहीं। अच्छा अभी ना ही वो कैटलॉग में मिल रहा है और ना ही वहां पे कोई अवेलेबिलिटी है स्टॉक की, दिल्ली वहां भी नहीं मिल रहा है, फिर देखते हैं शाम। सो भाई ये देखो, ये जो जैकेट है ना ऑरेंज वाली है वर्कर की जो यहां पे मजदूरी करते हैं, और ये है ग्रीन वाली इंजीनियर्स की, और ये ब्लू वाली विजिटर्स की। मैं भाई पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे क्यों दे रहे हो, हमको भी दे दो यार। हैं कितने से काम चल जाता है? लो भाई अब आ जाएं अपने असली रूप में। ये लो राजेंद्र जी, हैं राजेंद्र जी, लोग ही नहीं साथ रखते हैं। लो राजेंद्र जी, एक हो रह गया होना तो। नहीं नहीं हो गया, दोनों विस्टर हो गए ना। चलो भी अब आ गए अपने असली रूप में, अब हमारी ट्रॉफी पहन ले हम और चलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका नाम भूल गया मैं। सुरेंद्र जी थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। सो हम पहुंच चुके हैं हमारी गाड़ी के पास लंडरा, और मेरे को आने लगी थी नींद, थक गए यार आज तो, और 2:04 हो चुके हैं, 1 बजे का एस्टिमेट था हमारा घर पे पहुंचने का, 1 घंटा लेट हो गया, इतना तो चलो चलता है, और अब लग रही है भूख।
कड़ी चावल बने हैं, कड़ी चावल खाएंगे जाके और फिर नींद पे लेंगे टिका के, शाम को करेंगे एडिटिंग। धूप में तमतमा रही होगी अंदर से, थोड़ी सी तो बैंड बजने वाली है अभी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल राइड। ठीक है सर, मिलते हैं। सरदार जी, ए सरदार जी, सरदार जी तप रही होगी गाड़ी तो अंदर से फुल, क्या करे। अरे इन्नी नहीं यार, ठीक है ओके है? इन्नी नहीं, इट्स ओके, थोड़ी जी गड्डी चलूगी ना, इट्स ओके हो जाऊंगा, इट्स ओके। अरे भाई ठोक दी थी गाड़ी लड़की के अंदर, क्या करूं वो लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर, अपना पंजाब होवे कर दी शराब होवे सपाटा खड़िया होवे ट्रिपली लगी होवे। ये देखो ये हमारी सोसाइटी का बंदा, हम ही को पहचान नहीं रहा है ये। क्या नहीं गद्दी पे बोल, पता कि ये प्लंबर एक है ना, कर लो जी फोन आ जाए, कहते किलो दूध फड़ ले आओ, बस मेरे को तो यही काम रह गया, दूध ले आओ, दही ले आओ, पनीर ले आओ, सब्जी ले आओ, आटा ले आओ, मिर्च मसाले ले आओ, और तो फ्री यार। लो ये आ गई साड़ी ब्लैक एंड डेरी कुड़िए कुड़िए दे विच आ जाओ, हां पागल ना हुण ते बेवकूफ, कल तोडे दही दे विचों शिकायत आई है 3000 मच्छर निकले है इहदे विचों, ते हुण तू सोच कि 3000 मच्छर कढ़ने च किन्ना टाइम लग्गिया होऊगा। दही सारा सुटता ना मेरा, दही सुटता मच्छर थोड़ी कटे यार। इनका ना समोसा इतना ज्यादा टेस्टी होता है ना, और मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, पर मैं खा नहीं सकता। आ जाओ भाई, समोसा चक लिया ही तो एक पड़िया पिया ही जड़ा भाई, अद्धा देना है मैनू, ऐसे नहीं भाई आधा खाएंगे यार, समोसा चोर भाई अद्धा मेरा है यार, वो पार्ट तगड़ा होता ज्यादा। वाओ ये कदी जमी है भाई, अच्छा की कराया नू चोर जबी बनवा लिया भाई, संभल के जरा। 1 किलो दूध आपको मालूम है 3 दिन चलता है हमारे, क्योंकि यार मैं दूध की कोई आइटम पीता नहीं, इतना चाय पीता हूँ ना कॉफी बहुत कम पीता हूँ, तो ये सिर्फ कारला के लिए है, वो एक कॉफी पीती है रोज, तो ये दूध चलेगा 3 दिन। सुबह मैं सो लिया 1.5-2 घंटे, अब उठा हूँ फ्रेश हो गया, कारला भी ऑफिस जा चुकी है, ब्लैक कॉफी बनाई है पी के थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ हम गए थे तो मुझे लगा था हम जा रहे हैं बिजली के थर्मल प्लांट में, लेकिन हम बिजली के थर्मल प्लांट के एकदम साथ में जो सीमेंट का प्लांट बन रहा था वहाँ पे थे यार, उसके अंदर नहीं गए, उन चिमनियों के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा था। सो बढ़िया रहा, मज़ा आया वहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।